सो हे गाइस, तो भाई वेलकम बैक टू दी चैनल आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। मतलब भाई जिन भाइयों को नहीं पता उनको बता देता हूँ, मतलब मैं अपने चैनल पे लगभग 4 से 5 महीने से गाया था। मतलब मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी वो 30 अप्रैल को डाली थी, एंड आज अगर आपको डेट को बताऊँ, आज आपको डेट बताऊँ तो भाई 26 अगस्त है भाई आज। सो बहुत दिन हो गए मतलब मुझे एक प्रॉपर वीडियो डाले अपने चैनल में। मतलब मैंने बीच में 2-3 शोज डाले थे बट एक प्रॉपर वीडियो नहीं डाली थी। मैं आपको पहले ही अपनी गाड़ी रिवील कर देता, मतलब इन महीनों में बहुत सारी चीज़ें हुई। मतलब मैं एक जॉब में लगा, मैंने जॉब की, फिर जॉब में लगे हमने एक भाई गाड़ी ली, मैं तभी रिवील करने वाला था बट भाई मैं नहीं कर पाई, क्योंकि जब आप जॉब करते हो तो भाई 100% आप किसी के लिए कमिटेड होते हो, और मेरी टाइमिंग थोड़ी और थी, मतलब 12 से 9, लेट जाना, लेट आना और फिर लेट ही सब कुछ होना, तो मैं नहीं दिखा पाया। सोचा चलो आपको बाद में दिखाते, फिर भाई मैंने जॉब छोड़ दी, चलो अब दिखाता हूँ। बट उस जॉब को छोड़ने पहले भाई मैंने अपनी गाड़ी को सोचा था चलो अच्छे से मॉडिफाई कराते हैं, फिर लोगों को दिखाते हैं अच्छे से। तो भाई मैंने अपनी गाड़ी को काम कराने के लिए दिया, एंड फिर मैं सोचा चलो अब आपको गाड़ी दिखाता हूँ। बट भाई जब मैं अपनी गाड़ी की वीडियो बनाने गया रिव्यूइंग वाली, तब भाई मेरी गाड़ी की बैटरी डेड हो गई, मैं शूट नहीं कर पाया। चलो भाई वो भी देखा जाए, फिर मेरी गाड़ी बहुत गंदी थी। सो गाइस, इन सारी प्रॉब्लम्स के बाद आज भाई वो दिन आ गया है जब मैं आप लोगों के सामने अपनी जो गाड़ी है भाई वो रिवील कर सकता हूँ। तो प्रेजेंटिंग माय न्यू कार। सो गाइस, दिस इज़ माय न्यू कार। तो भाई ये है हुंडई i20 2010, ऑब्वियसली भाई पेट्रोल है। सो भाई ये हमने गाड़ी ली थी जून में। तो भाई अब आपको बताता हूँ इस गाड़ी में काम क्या हुआ। जैसे कि आपको दिख रहा है गाड़ी का कलर जो है टोटली गाड़ी रिपेंटेड है। गाड़ी का कलर जो मैं आपको बताता हूँ वो है भाई नार्डो ग्रे कलर में गाड़ी पेंट हुई, क्योंकि काफ़ी ट्रेंड में कलर चल रहा है। पर्सनली मेरा अच्छा कलर लगता था भाई मेरे को ये कलर, एंड जैसे कि जो मेरी RC में कलर है ना भाई, काफ़ी सारे बंदे बोल रहे हैं कि भाई आपने RC में कलर चेंज की दिक्कत नहीं होगी। भाई मेरी RC में जो है भाई वो डार्क ग्रे ही लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली इतना कोई पता नहीं लगता कि डार्क ग्रे और नार्डो ग्रे में इतना फ़र्क नहीं बता सकते बंदे। सो अभी देखो गाड़ी का, जैसे कि आपने बताया साइड में पिक लगा दूंगा, क्योंकि भाई गाड़ी का कलर पहला कैसा था और अब कैसा है। पहले मुझे ब्लूइश टाइप का कलर रहता था, बट अब जो है गाड़ी का बिल्कुल ग्रे कलर लगता है। आप अभी बिल्कुल धूप में गाड़ी को देख रहे हो इसलिए आपको थोड़ा सा लाइट कलर लग रहा है, बट आप इसको जैसे कि डार्क में देखोगे ना तो इसका कलर जो है वो ऑब्वियसली डार्क हो जाएगा। सो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ भाई गाड़ी की जो पेंट तो हुआ है गाड़ी में। सेकंड चीज़ जो भाई आपको दिख रही है गाड़ी में, ये जो लाइट्स हैं भाई टिंटेड हैं, ये मतलब इस पर ब्लैक फिल्म चढ़वाई है, क्योंकि भाई बजट नहीं था वरना इनको चेंज ही करवा देते, इनमें प्रोजेक्टर लगवा देते। सो सेकंड चीज़ जो हमने गाड़ी में कराई है भाई वो है, जैसे कि आप ग्रिल देख रहे हैं ये ग्लोस ब्लैक में पेंट हुई है, जो कि बड़ी नार्डो ग्रे के साथ भाई ब्लैक ग्लोस ब्लैक बड़ा ही अच्छा लगता है। एंड आप देख रहे हैं जैसे कि इसके ORV रिम्स जो है भाई पहले इसके ग्लोस ब्लैक में पेंट है, ये भी ब्लैक में पेंट है, एंड रूफ उसमें ग्लोस ब्लैक में पेंट है भाई इसकी, जो कि ब्लैक में और नार्डो ग्रे में भाई बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन आता है। एक अलग मॉडिफिकेशन कराऊंगा भाई गाड़ी में, कुछ दिनों बाद आप देखोगे भाई मेरी गाड़ी की एक मॉडिफिकेशन आएगी जिसमें कि मतलब इस गाड़ी के लुक्स ही चेंज हो जाएंगे, ऑब्वियसली बात है। एंड जो सेकंड चीज़ भाई इसके लुक्स चेंज करने में इसने मदद की है भाई वो है गाड़ी के अलॉयज। मतलब भाई अलॉयज का जो, अगर आप अलॉयज के सामने से देखेंगे ना भाई गाड़ी का स्टांस देखो भाई, गाड़ी से ये ऑलमोस्ट इतने एक उंगली जितने भाई बाहर आ रहे हैं, बड़े अच्छे लगते हैं भाई गाड़ी में अगर आप फोटोज वीडियो में देखते हैं भाई गाड़ी के। एंड इसमें इसको कॉम्प्लीमेंट करवाने के लिए भाई हमने इसमें, आप देख रहे हैं इसमें रेड कैलिबर पेंट करवाए हैं। मैं चाहता था अलॉयज भी पूरे ही मतलब ब्लैक हो जाए, पूरे ग्लोस ब्लैक या फिर मैट ब्लैक में पेंट हो जाए, बट मेरे को सजेशन दिया गया था कि भाई नहीं ये ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं, और ऑब्वियसली बात है भाई अच्छे ही लग रहे हैं, ये बुरे नहीं लग रहे हैं, बट मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है कि पूरे ब्लैक हो जाए। थर्ड गाड़ी में अगर आप पीछे जाकर दिखाता हूँ कि भाई गाड़ी में पीछे क्या काम हुआ है, तो भाई पीछे जो बंदों का पर्सनल फेवरेट था भाई मेरे से कई लोगों ने पूछा था भाई, वो है ये भाई, ये बैटमैन का लोगो है। इसमें गाड़ी में से सारे जो लोगो हैं भाई हटा दिए गए हैं, सारी गाड़ी डी बैच कर दी गई है, एंड पीछे भी ऑब्वियसली बात है गाड़ी में इसको अच्छा दिखाने के लिए भाई गाड़ी के जो पीछे हैं वो भी हमने ब्लैक करवा दिए। एंड ये कुछ जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये नॉर्मल नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं तरीके से भाई 90% जेड है ये। और अब सामने वाले जो आप भाई देखेंगे ना गाड़ी में, वो आई थिंक आपको मैं बताता हूँ, देखो सामने वाली में कितना डिफरेंस है भाई आपको देखने को मिलेगा। सामने वाली आई थिंक 30-40% है, बट पिछले वाली है जो वो ऑलमोस्ट 90% डार्क है, इसलिए जो आप अगर इसमें देखोगे ना तो बड़ी खतरनाक लुक आती है भाई गाड़ी के पीछे से, ठीक है। अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर, एंड मैं आपको गाड़ी के अंदर चल के दिखाता हूँ भाई। देखो गाड़ी के अंदर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अब आप लोगों को बोलोगे कि भाई गाड़ी में काम अंदर तो हुआ ही नहीं, तो भाई यस गाड़ी में अंदर सिर्फ और सिर्फ एक काम हुआ है, वो है भाई ये, एंड ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, मैं आपको उधर से आके दिखाता हूँ, क्योंकि इधर से भाई लाइट आ रही है।
सो जो आपने जो सेंटर कंसोल देखा ना भाई, ये मेरा स्टोक ही है, मतलब स्टोक नहीं है, दूसरी गाड़ी का है बट स्टोक है। देखो ये जो है ना भाई, ये चेंज हुआ था, ये पूरा है, आपको मैं एक फ़ोटो लगा दूंगा भाई। जब ये गाड़ी मेरे पास आती कितने बुरे हाल थे इसके अंदर, सिल्वर कलर में था, ऐसे कलर में था भाई, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इसका ये तो पूरा चेंज हुआ है एंड इसको ब्लैक में करवाया गया, एंड ये चीज़ भी ब्लैक में करवाई गई है ताकि गाड़ी में अच्छा कॉम्बिनेशन दिया जाए। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई गाड़ी में नार्डो ग्रे एंड ब्लैक का बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है भाई। एंड एक चीज़ भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि ये जो आप गाड़ी के जो टायर्स देख रहे हैं ना, टायर्स भाई जैसे कि आपने देखे, अगला जो टायर है तीन टायर इसमें नहीं है, जो टायर है ये वाला भाई मेरी गाड़ी का स्टोक टायर है, बड़ा ही पतला लग रहा है। क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि भाई इस गाड़ी का एक जो पिछला टायर है वो मुझे मिल नहीं रहा था। अभी इस गाड़ी के मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, अलॉय गाड़ी में रखा है ऑब्वियसली बात है भाई आपको, बट पकड़िए एक बार भाई इसको, तो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई गाड़ी में जो अलॉय रखा है भाई मेरा। सो चूँकि कई बंदे वेयर कर भाई, ठीक है, तो दिखा दिया भाई मैंने। तो ये जिस दिन मेरे को टायर मिल जाएगा उस दिन मैं इसको अपग्रेड करा दूंगा, तो चारों टायर गाड़ी के हो जाएंगे, एक से बड़ी अच्छी लुक आती है भाई टायर की वजह से। अब आप एक बात देखो, इधर देखो गाड़ी के टायर कैसे हैं एंड अब इधर देखो गाड़ी के टायर कैसे हैं। सो कितना ह्यूज डिफरेंस आ जाता है भाई अलॉय एंड टायर से। एंड यस, जो टायर की प्रोफाइल है ना भाई वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये जो टायर पिछला आप देख रहे हैं ना 175 इसकी चौड़ाई है एंड उसकी 205 है, मतलब ऑलमोस्ट 30 mm का इसमें फ़र्क आ गया था भाई। सो ये थी भाई मेरी नई गाड़ी। भाई आप लोग कमेंट करके भाई मुझे ज़रूर बताना कि आपको गाड़ी कैसी लगी, एंड भाई अपने सजेशन भी देना कि भाई गाड़ी में और क्या क्या काम होना चाहिए भाई। अभी मैं गाड़ी में काफ़ी सारे काम कराऊंगा बट भाई आप लोगों की भी राय मुझे चाहिए, तो भाई आप बताना ज़रूर कि आपको गाड़ी में और क्या क्या देखना है। सो बस यही था आज की वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।